हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू हलवाई। आज मैं बनाने जा रहा हूं छोले भटूरे, बिल्कुल दुकान का स्टाइल में। आपका मैदा गूंदने से बेलने तक का और फ्राई करने तक का आपको बताऊंगा किस तरह से आपका भटूरा फूला फूला बने। दुकान वाले छोला भी बताऊंगा आपको किस तरह से बनाना है, जो कि आपका दुकान की तरह छोला बने। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपका मैदा का जो मैदा आपका अच्छे तरह से गूंदाएगा तब आपका भटूरा सॉलिड बनेगा और अच्छा बनेगा, फूला फूला बनेगा। सबसे पहले हम ये 700 ग्राम हम मैदा लिए हैं, इसमें डालेंगे सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच चीनी। चीनी डालने से क्या होगा, आपका भटूरा फूला फूला बनेगा और जो आप देखते हैं बादामी कलर जो होता है चीनी डालने से ही होता है। अब थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें मीठा सोडा, हल्का इतना सा डालना है मीठा सोडा, और बीच में आपको हॉल कर लेना इस तरह से। अब इसमें डालेंगे हम 2 छोटा चम्मच तेल, रिफाइंड डालना है, और थोड़ा दही, लगभग 50 ग्राम दही। दही से आपका खमीर होगा, खट्टा होगा, मैदा जो आपका फूलता है वो आपका मैदा फूलेगा अच्छे से। और आप दही ना हो, दही भी नहीं डाल, कोई ज़रूरी नहीं है, जरूरी दही डालना ही है, बिना दही का भी बना सकते हैं। जल्दी बनाना हो तो आप दही डाल सकते हैं, और यदि आप दुकान में बनाना चाहते हैं तो बिना दही का बनाएं। दुकान में यदि बनाते हैं तो आप दही नहीं डालें। अब मीठा सोडा और चीनी, नमक, तेल दे के बना सकते हैं, क्योंकि दुकान में होता है क्या है कि आप ज़्यादा देर तक भटूरा का मैदा रखते उससे क्या होगा, खमीर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, और भटूरा आदमी पसंद नहीं करता ज़्यादा खट्टा। ऐसे तो भटूरा खट्टा ही होना चाहिए, लेकिन बहुत आदमी खट्टा पसंद नहीं करता है, बोलेगा कि बासी है मैदा। इस तरह से आप बिना दही का भी बना सकते हैं। इसको इस तरह से गूंदना है, एक बार सारा पानी नहीं डालना है, देख सकते इसी तरह से, और हल्का हल्का पानी डालना है कि जितना ज़रूरत अनुसार पानी लगे आप डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालें, फिर ज़रूरत पड़ेगा फिर डालेंगे हम पानी। इस तरह से गूंदना है आपको मैदा को। अब मैदा पे ये ध्यान दें कि मैदा आपका कहीं पे सूखा ना हो, कहीं गीला ना हो। कभी होता है कि कहीं पे आपका पानी का अंश होता है और कहीं पे आपका मैदा सूखा रहता है, इसलिए मैदा जब भी साने तो एक समान साने कि कहीं पानी का अंश ना हो, कहीं पे सूखा ना हो। इसलिए इसको मलार अच्छे से दे के इस तरह से सान लेना है, गूंद लेना है। और मैदा हम थोड़ा टाइट ही गूंदते हैं, आपको दिखा देंगे किस तरह से। हल्का थोड़ा और पानी डालेंगे, पानी का छींटा, कि हमारा मैदा अच्छे से गूंदा जाए, कंप्लीट हो जाए मैदा। आप जब भी गूंदे, जैसे आप पूरी बनाते हैं घर में उसी तरह से गूंदे, ज़्यादा गीला नहीं, उससे क्या होगा आपको बेलने में आसानी होगा, और ज़्यादा गीला होने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मैदा बेलाएगा नहीं अच्छा से, भटूरा आपका अच्छा से बेलाएगा नहीं। इसलिए हम जिस तरह से कचौरी का आटा या पूरी का आटा सानते उसी तरह से गूंदते हैं, को देख सकते हैं ज़्यादा गीला नहीं है। अब इसको हम जो कहीं कहीं पे गीला है, कहीं पे सूखा है, इसको हम एक बराबर करने के लिए इसको हम पटक लेंगे इस तरह से, 5 से 10 बार इसको पटकेंगे इसी तरह से, कि हमारा मैदा जो है एक समान हो जाएगा। इसी तरह से पटकना है कि हमारा मैदा बिल्कुल एक समान हो जाए, कहीं पे गीला ना हो, कहीं सूखा ना हो। इस तरह से आपको 8 से 10 बार इसको पटक लेना है। अब इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा सा देखेंगे कसर हो तो थोड़ा सा और पटक लेंगे। इसी तरह से पटकने से क्या होगा, आपका मैदा बिल्कुल एक समान हो जाएगा, कहीं पे सूखा नहीं, कहीं गीला नहीं, आप देख सकते हैं कहीं पे सूखा नहीं है, कहीं चिपचिपा नहीं है, पानी का अंश नहीं है। इस तरह से गूंद के हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे कि हमारा मैदा जो है बिल्कुल अच्छे तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसको कपड़े से ढक के, सॉफ्ट कपड़े से, भिंगा कपड़ा से ढक के हम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। एक कपड़ा, साफ कपड़ा लेके इस तरह से हम भिंगो लेंगे बढ़िया से। ध्यान ये देना है कि कपड़ा बिल्कुल साफ़ हो, और इस तरह से गार के आप मैदा को ढक लें। पानी का अंश ना, अच्छे से पानी को गार लेना है, और इसको अच्छे से आधा घंटा के लिए ढक देना है मैदा को। इससे क्या होगा, आपका मैदा जो ऊपर कभी कभी देखते बिना खुला हुआ रहता है तो मैदा सूख जाता है, आपका मैदा नहीं सूखेगा, अच्छे तरह से आपका मैदा सॉफ्ट होगा और फूलेगा। अक्सर आप लोग गलती क्या करते हैं कि मैदा गूंथते हैं और बेट नहीं करते हैं,
समय नहीं देते, मैदा गूंदने के बाद तुरंत ही आप लोई काट के भटूरा बनाते हैं, इसलिए आपका भटूरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जब भी आप मैदा गूंदें तो आधे घंटे के लिए ज़रूर मैदा को छोड़ दें भिंजा कपड़ा से ढक के, इससे क्या होगा आपका मैदा सॉफ्ट होगा और भटूरा आपका अच्छा बनेगा। जब तक हमारा मैदा फूल रहा है हम बीच में छोला तैयार कर लेते हैं। चलिए आपको छोला का रेसिपी दिखाते हैं किस तरह से छोला बनाना है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ा लें या कुकर हो, कोई सा भी बर्तन आप चढ़ा लें। सबसे पहले एक बॉल हम तेल डालेंगे। सबसे पहले एक बॉल हम रिफाइंड डाले हैं, आप सरसों तेल में भी बना सकते हैं और रिफाइंड में बनाए तो और बेहतरीन है, इससे स्वाद बहुत अच्छा बनेगा, आपका स्वाद फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले हम जब भी बनाते हैं रिफाइंड में ही बनाते हैं, रिफाइंड को गर्म होने देते हैं, रिफाइंड को गर्म होने दें। गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम 2 से 3 तेज़पत्ता, 2-4 सूखा लाल मिर्च, थोड़ा सा खारा जीरा, तो हम अच्छे से पका लेंगे। तेज़पत्ता को फ़ौरन को अच्छे से लाल कर लें। लाल करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा आदि का घसा हुआ, इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसको भी साथ ही में पकाएंगे हम अच्छे से। लहसुन आदि को अच्छे से हम पका लेंगे। एक बॉल प्याज कटा हुआ, लगभग 200 ग्राम प्याज अच्छे से काट के इस तरह से अब इसको पका ले, अच्छे से गला ले प्याज को। प्याज को बिल्कुल अच्छे तरह से भूनना है, जितना आपका प्याज अच्छे से ब्राउन करिए उतना अच्छा आपका छोला बनेगा। प्याज को बिल्कुल अच्छे तरह से लाल करना है। प्याज को बिल्कुल चलाते रहना बीच बीच में, बिल्कुल छोड़ नहीं देना कि आपका प्याज बिल्कुल जल जाए, इसलिए बीच बीच में चलाते रहने से क्या होगा आपका प्याज जो है चूर भी होगा, ग्रेवी जो होता है ग्रेवी तैयार होगा। इस तरह से आपको चलाते रहना है, प्याज आपका गलेगा और छोड़ना नहीं, जलाना भी नहीं, बिल्कुल लाल करना है। इस तरह से प्याज को आप बीच बीच में करते रहें। देख सकते हैं हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, मिर्च पाउडर 2 चम्मच, और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना तीता आपको रखना हो, और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे कि हमारा मसाला जले नहीं। इसको अच्छे से पकाना है, 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से पकाना है बिल्कुल मसाले के साथ। इसी को बीच में चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं कि हमारा मसाला जले नहीं। इस बात को ध्यान दें कि मसाला बिल्कुल जले नहीं। आलू उबला हुआ है, लगभग 250 ग्राम हम छोला बना रहे हैं, इसलिए हम 4 से 4 आलू लिए हैं, लगभग 200 ग्राम लगभग आलू लिए हैं। इसको अच्छे से हम पेस्ट कर लेंगे, इससे क्या होगा आपका ग्रेवी बिल्कुल जो छोला का गाढ़ा होगा, और हर दुकानदार ही छोला में आलू डालता ही है गाढ़ा होने के लिए, ग्रेवी गाढ़ा होने के लिए, इसलिए आलू को इस तरह से आप चूर कर लें और पानी के साथ भी थोड़ा सा इसको पेस्ट बना लें कि आपका बिल्कुल अच्छे तरह से घोल हो जाए। इसी तरह से आलू को आप पेस्ट बना लें, मसाले को अच्छे तरह से पका लें कि आपका मसाला कच्चा ना हो। थोड़ा सा पानी डाल के प्याज को अच्छे से गला लें, और साथ में हमारा मसाला भुंजा चुका है, ये आलू का पेस्ट जो तैयार किया हम इस मसाले में डालेंगे।
और अच्छे से पका लेंगे। साथ ही साथ हम छोला हमारा उबला हुआ है देख सकते हैं बिल्कुल, इसको भी साथ में डाल के हम पका लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी और डालेंगे कि अच्छे से हमारा छोला पक जाए और साथ में मसाले के साथ अच्छे तरह से घुल जाए। इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना और अच्छे तरह से पाँच मिनट अच्छे से उबाले इसको। जब तक आपका मसाला और छोला साथ में पकेगा नहीं तो अच्छे तरह से साथ में पकाना है, लाजवाब बेहतरीन छोला आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब हम मैदा का कपड़ा हटा देते हैं और एक समान हम गोली काट लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं गोली को इस तरह से लेना है, काटना है और आपको जिस आकार में जितना छोटा बड़ा काटना है आप काट सकते हैं। इस तरह से सारा गोली काट लेना है। गोली में पेच ना हो इस तरह से आपको काटना है अच्छे से सारा, आप एक समान काट ले छोटा बड़ा, आपको जिस साइज में बनाना है भटूरा आप बना सकते हैं। बिल्कुल पेच ना होना चाहिए, इस तरह से आप दाब के इसको काट लें। ये हमारा सारा गोली कट चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे, उससे क्या होगा आपका मैदा बिल्कुल ऊपर का सूखेगा नहीं और भटूरा परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल एक समान भटूरा बनेगा, फूला फूला भटूरा बनेगा। इस तरह से तेल लगाने के बाद आप भिंजा कपड़ा से इसको ढक दें और इस बात को भी ध्यान देना है आप तुरंत लोही काटने के बाद तुरंत भटूरा ना बेलें, नहीं तो आपका भटूरा क्या होगा सिकुड़ जाएगा और फूलेगा भी नहीं। इस बात पे भी ध्यान देना है कि आप जब भी भटूरा को लोहिया काटें कम से कम 10 से 20 मिनट इसको काट के छोड़ दें, भिंजा हुआ कपड़ा से ढक के काट के छोड़ दें। इससे क्या होगा आपका मैदा का भटूरा बिल्कुल छोड़ने के बाद आप बनाएंगे तो बिल्कुल फूला फूला भटूरा बनेगा बिल्कुल, और अक्सर होता है कि आप बेलते हैं बड़ा हो जाता है छोटा, इस कारण से है कि आप मैदा तुरंत गोली काटते हैं और 2-3 मिनट इंतज़ार करते हैं आप भटूरा बेलना स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लोही काटें तो कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ दें काटने के बाद, तब बेलें, आपका भटूरा बिल्कुल सूखेगा नहीं, आप पूरा फूला फूला भटूरा बनेगा। अब हम छोला देख लेते हैं हमारा छोला का क्या स्थिति है। छोला अभी लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चना मसाला, थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला, थोड़ा सा हलवाई का सीक्रेट मसाला जो होता है कस्तूरी मेथी, इसको डाल के हम चला के बिल्कुल गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा दुकान वाले छोला तैयार हो गया, जो आप फूड पे खाते हैं ठेले पे खाते हैं, रस भरा छोला मसालेदार छोला तैयार हो चुका है। ये हमारा छोला लाजवाब बेहतरीन छोला तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे भटूरा। एक कढ़ाई में तेल चढ़ा ले, तेल इतना हो कि भटूरा आपका अच्छे तरह से डूब जाए और अच्छे तरह से आपका भटूरा, जब तक आपका डूबेगा नहीं तो आपका भटूरा फूलेगा नहीं, इसलिए तेल कढ़ाई में इतना हो कि भटूरा आप जब भी छाने तो तेल उसके ऊपर हो, इसलिए उतना ही तेल डालें। और तेल एकदम बिल्कुल हीट होना चाहिए, गर्म बिल्कुल, ठंडा रहेगा तो आपका भटूरा, हल्का भी ठंडा रहेगा तो भटूरा आपका फूलेगा नहीं। तेल जब भी होना चाहिए तो गर्म तेल होना चाहिए, तेल इतना गर्म होना चाहिए कि धुआं निकलना चाहिए, आपका भटूरा बिल्कुल फूला फूला बनेगा। जब भी आप भटूरा बेलें तो जिस पे भी बेलें, पीरा हो या पत्थल हो या आप जो चीज़ पे बेल सकते हैं उसमें थोड़ा सा तेल जरूर लगाएं। इस तेल लगाना इसलिए ज़रूरी है, आप जब भी भटूरा बनाते हैं परथन का यूज नहीं होता है, बिना परथन का बनता है, बिना मैदा का आटा का बिना लगाए बनता है, इसलिए आप तेल लगा लें और बेलन में भी तेल लगा लें। इससे क्या होगा आपका नहीं बेलन पकड़ेगा, नहीं आपका जो इस पे बेल रहे उसको वो चीज़ आपको बिल्कुल आपका चिपकेगा नहीं, इसलिए दोनों में तेल लगा ले और हल्के हाथ से बेलना इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से बेलना है आपको, जिस छोटा बड़ा जितना बनाना हो उस आकार में आप बना सकते हैं, लोई कर सकते हैं और बेलना हल्के हाथ से और चारों तरफ बेलना कि एक समान हो, कहीं बीच में पतला ना हो, पतला होने से भी आपका भटूरा नहीं फूलेगा, एक समान होना चाहिए। भटूरा को बेल लें
इस तरह से बेल के अब हम भटूरा को छानेंगे, आपको दिखाएंगे छानते हुए। देख सकते हैं हमारा भटूरा बेला चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम तेल को चेक करें कि हमारा तेल गर्म हुआ या नहीं। थोड़ा सा आटा मैदा लें, इस तरह से डालें। अभी थोड़ा सा कसर है, बिल्कुल डालते ही ऊपर आ जाए तो आप सब, ये तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब हम भटूरा को छानेंगे, बिल्कुल हमारा तेल तैयार हो चुका है, गर्म हो चुका है। सबसे पहले भटूरा डालने के बाद हम बीच में इसको दबाएंगे और पलटेंगे। पलटने के साथ हम इस पर पूरा तेल चढ़ाएंगे इस तरह से कि हमारा भटूरा बिल्कुल फूला फूला बने और कच्चा किसी जगह से कच्चा ना रहे। देख सकते हैं हमारा भटूरा तैयार हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह से तेल चढ़ाते रहना है। इससे क्या होगा, आपका दोनों तरफ कलरफुल होगा, भटूरा कलर होगा एक समान होगा। और इसी तरह से सारा भटूरा आप बना लें, इसी तरह से भटूरा आप बना के तैयार कर लें। ये आपका छोला भटूरा दुकान का जैसा तैयार हो चुका है। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें।